हे गाइस, दिस इज जय। और आज हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम पे भी, और इसके अलावा 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी, कि हम लोग इसको क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को आने वाले दिनों में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो निफ्टी है वो एक रेजिस्टेंस को बार बार टच करके नीचे की साइड में, डाउन साइड में उसको मूव कर रहा है। सो आई थिंक निफ्टी में एक ग्रीन कैंडल की एक एक्सपेक्टेशन हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा ये एक रेजिस्टेंस हम लोगों को दिख रहा है। यहाँ से मार्केट थोड़ा मूव करना चाहिए, यहाँ से मार्केट थोड़ा सा मूव करके फिर डाउन साइड आता है, तो हम लोगों को काफ़ी अच्छे इसमें, इसमें इचिमोकू क्लाउड का अगर यूज़ करता हूँ तो इसमें हम लोगों को डाउन साइड के मूव काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। जो 16,527 तक इसके लेवल्स हम लोगों को भी दिख रहे हैं, लेकिन मार्केट को एक अपसाइड मूव लगता है इसमें लगाना चाहिए, तभी मार्केट एक डाउन साइड मूव यहाँ पे आएगा। इसके अलावा अगर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग देखते हैं, या इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग देखते हैं, तो इचिमोकू चार्ट के अकॉर्डिंग अभी मार्केट अपसाइड ही मूव कर रहा है। इसने डाउन साइड मूव आना अभी करना चालू नहीं किया है। डाउन साइड मूव तब आएगा जब ये अपने क्लाउड को क्रॉस ओवर करेगा डाउन साइड में, और जब ये ग्रीन क्लाउड के नीचे अगर जब आ जाता है और रेड क्लाउड आगे बनना स्टार्ट हो जाएगा एटलीस्ट 13 और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, तब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट डाउन साइड आना चालू हो गया है। अभी कुछ दिनों से, 1 तारीख से लेकर अभी आज 8 तारीख, 7 तारीख हो चुकी है, तब से मार्केट जो है लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो ये जो लेवल है अराउंड 17,500 का, और 17,200 300 समथिंग का, तो वो लेवल मार्केट क्रॉस नहीं कर पा रहा है। एक लेवल 17,500 का है और एक लेवल हम लोगों को 17,200 का यहाँ पर दिख रहा है। तो इस लेवल को जब ये कभी काफ़ी टाइम से साइडवेज मार्केट चल रहा है, और मंडे को भी ये एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इसी एक फ्रेम में चलेगा, लेकिन अगर मार्केट डाउन साइड या अपसाइड मूव करता है तो फिर हम लोग एक लेवल देख सकते हैं कि मार्केट अगर अपसाइड जाएगा तो 17,700 तक इसको जाना चाहिए, 750 के आसपास, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ तक जाता है तो ये एक इसका रेजिस्टेंस भी होगा। इसके अलावा डेली पीवट लाइन भी यहाँ पे एक आ रहा है, जो एक हम लोग एवरेज पीवट्स इसको कह सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मार्केट डाउन साइड अगर मूव करता है, तो डाउन साइड अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं, तो जो मार्केट ने सबसे अच्छा सपोर्ट लिया था वो लिया है 16,700 के आसपास, जहाँ जहाँ मार्केट ने काफ़ी बार टाइम फ्रेम पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे इसको एक सपोर्ट की तरह एक लेवल लिया है। तो ये जो सपोर्ट अगर हम लोग देखें तो ये 16,800 के आसपास का है, जहाँ कई बार मार्केट ने एक एक बार यहाँ पे लिया है, एक बार यहाँ पे लिया है, इसके बाद यहाँ पर भी लिया है, और अभी 16,800 हम लोग देख सक रहे हैं। 16,800 पे भी अगर मार्केट इसको भी डाउन साइड अगर इसको भी क्रॉस करता है और डाउन साइड आने की कोशिश करेगा, तो फाइनल लेवल इस मंथ के एंड तक हम लोगों को 16,300 के आसपास दिख सकते हैं, और फिर वापस शायद डाउन अप मूव आने का इसका चांसेस हम लोगों को दिखे। इसके अलावा अगर हम लोग इसको 10 मिनट टाइम फ्रेम पे भी अगर देखते हैं, अगर हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी इसको देखते हैं, और इचिमोकू क्लाउड का हम लोग यूज, यहाँ से स्टार्ट हुआ है जो कुछ दिनों से अप मूव डाउन मूव, और ये पिछले दिनों से इसको हम लोग साइडवेज मार्केट ही लेके चल सकते हैं, तो मंडे को भी यही एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट डाउन साइड मूव शायद ही करे, लेकिन अगर डाउन साइड मूव करता है तो मार्केट आ सकता है 17,300 एंड 350 के आसपास। सो ये हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है निफ्टी को लेके। बैंक निफ्टी के लिए हम लोग इसके लिए अलग से वीडियो प्रे करेंगे। सो इंडियन इचिमोकू ट्रेडिंग में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।